हे गाइस, तो टेक्निकल थेरेपी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एंड्रॉइड मोबाइल आप भी नोकिया 1280 लॉन्चर में आप चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका भी एंड्रॉइड मोबाइल आप नोकिया फोन में चेंज करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर से नोकिया 1280 लॉन्चर सर्च करते ही आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। इस ऐप को पहले तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने से पहले इसके आप रिव्यूज रेटेड और टेम्पलेट्स भी देख सकते हो। 4.4 इसको स्टार मिले हुए है, 1 के रिव्यूज है, 3 प्लस रेटेड है। इस तरह से आप यहाँ पर टेम्पलेट्स भी देख सकते हो। आपका यहाँ पर एंड्रॉइड मोबाइल इस तरह से आपको बाद में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका एंड्रॉइड मोबाइल पूछ पूरा इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। तो गाइस, कैसे इस तरह से चेंज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन कर दिया। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेट ड्राफ्ट फुल लॉन्चर ट्यूटोरियल फोन थीम, यहाँ पर आपको फोन नेम वॉलपेपर आपको बहुत सारे देखने को मिलती है। मैं आपको कैसे चेंज करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिलता है सेट ड्राफ्ट फुल लॉन्चर का, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सिस्टम लॉन्चर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको नोकिया 1280 लॉन्चर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, फिर आपके सामने यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी ऐप होगी वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन सर्विस को यहाँ से आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक जाना है और आपका मोबाइल जो चेंज हो चुका होगा। यहाँ पर देख सकते हो आपका मोबाइल यहाँ से चेंज हो चुका है। अभी आप देख सकते हो आपका यहाँ पर एंड्रॉइड मोबाइल था वो आपका नोकिया मोबाइल चेंज हो गया है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं आपको यहाँ पर नंबर आपको किसी को कॉल लगा के आपको बता दूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने 0 पर क्लिक किया था, यहाँ पर 0 आ गया, 9 पर क्लिक किया 9 आ गया, इस तरह से 6 पर क्लिक किया 6 आ गया, 5, यहाँ पर आप जो भी नंबर टाइप करोगे आपके सामने आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप इस रेड वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपका नंबर है जो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो अभी आपको एक एक नंबर डिलीट करना है, यहाँ पर आप एक एक नंबर डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेन्यू मिलता है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलती है, यहाँ पर आपको टाइमिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको VIC में तो आपको यहाँ पर VIC में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको तारीख और आपको जो भी डे होगा वो आपको मिलेगा। आपकी बैटरी परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके डाटा ऑन है या नहीं है वो आपको यहाँ पर, डाटा ऑन है या नहीं है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप अपने मोबाइल को यहाँ पर नोकिया 1280 में चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ आपका यहाँ पर नोकिया 1280 में चेंज किया है। फिर से आपको एंड्रॉइड मोबाइल में चेंज करना है तो एंड्रॉइड मोबाइल में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर रेड वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको फाइनली क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिस्टम लॉन्चर पर फिर से क्लिक करना है। सिस्टम लॉन्चर पर क्लिक करने के बाद आपका फिर से पहले जैसा मोबाइल आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इस तरह से आपको यहाँ पर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।